तो आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल हिल से क्लाइंबिंग कैसे करेंगे, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें पड़ेगी लॉन्ग क्रूसिक कॉर्ड की और एक पड़ेगी हाई टू आई क्रूसिक कॉर्ड की। इसमें एक आई ए है, एक आई ए है, इसमें कैराबिनर पड़ते हैं और ये आपके साथ अटैच होगा, इसलिए इसको आई होल बोलते हैं, इसलिए आई टू आई बोल रहे हैं इसको, आई टू आई क्रूसिक कॉर्ड इसमें जरूर पड़ेगा। और एक हमारा तो बेस के साथ में ऊपर बेस है, बेस के साथ अटैच है, एक लाइन क्लाइंबिंग लाइन की जरूरत पड़ेगी। घुमा के नीचे ले आओ, उसके बाद यहाँ पे इसको लेके इसको अंदर ले आओ, ठीक है। इसको चार बार करना पड़ता है, एक दो तीन और ये चार। इसको अच्छे से ड्रेस कर लेते हैं, बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। और जो दो आई होल हैं ये दोनों पास में होने चाहिए, ठीक है। अब इसको इजी फिक्सन के लिए, अभी खिसक नहीं रहा है बहुत अच्छी तरह से, तो इसको इजी फिक्सन के लिए हमको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा पुली। तो कैसे करना पड़ेगा, इधर से इसको रोप में ले लो, ये रोप में ले लिया, उसके बाद इसका जो ये दूसरा वाला आई होल है इस पर आई होल पे इसको डाल लो और इसके पार ले लो ऐसे और फिर से आई होल पे ले लो। तो ये कुछ इस तरह का दिखना है, ठीक है। ये दोनों इस क्रूसिक आई टू आई के दोनों आई पुली के एक ईश्वर होगा, एक ईश्वर होगा, बीच में रोप है और एक सबको कैराबिनर ने रेस्ट कर रखा है। फिर इस कैराबिनर को आप अपने से अटैच कर दो और उसे लॉक कर दो। अब यह इस तरह से मूव करेगा, इसको टाइट कर दो, ये लोड इस तरह से लेता है, ठीक है। अब इससे क्लाइंबिंग कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक लंबा सा प्रोसिक कॉर्ड लेना है और एक इतना सिरा जिसका छोड़ देंगे लगभग 10 इंच का, और रोप के ऊपर रखेंगे इसको इस तरह से। फिर इसमें कम से कम पांच राउंड आग घुमाएंगे इस तरह से, और जो ऊपर का सिरा बच गया है उसके ऊपर से पास करेंगे इसको, उसके अंदर से इस तरह से पास करेंगे और ये कुछ इस तरह का दिखना है। यह है लैम हिस्ट, ये भी एक हिच है, लैम हिस्ट नाम है इसका। तो जो इसका नीचे का सिरा बच गया है उसमें एक पाँव के रखने के लिए फुट रेस्ट क्रिएट करेंगे, एक नॉट जो लगा रहा हूँ अभी, इसका नाम है स्लिप नॉट, ओवर हैंड स्लिप नॉट, इसमें पाँव रखेंगे। अब इस नॉट को ऊपर तक ला के खड़े होके इसको खिसकाइए कैराबिनर पकड़ के इस तरह से। यहाँ पे पूरी तरह से रोप पकड़ी है इसने, फिर यहाँ पकड़ी है, उसके बाद यहाँ पकड़ी है, तो कई जगह पे इसमें रोप को इसने बेंड ट्विस्ट कर दिया है जगह जगह पे, इसलिए खिसकेगा नहीं है। अब आपको और क्लाइंबिंग करनी है तो
इस नॉट को, जो ये वाली नॉट है, इसे थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा आपको और खिसका दो इसको, फिर से इसमें खड़े हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ और इसको खिस ले लो ऊपर को। हाथ से खिसकाने में सिर्फ नॉट अगर होगी तो एकदम से खिसकती नहीं है, लेकिन ये पूरी लगने से बहुत आसानी से खिसकती है। और अगर आपकी क्लाइंबिंग लाइन बहुत ऊंची है तो इस तरह से आपको हर बार शिफ्ट करना है। इसको शिफ्ट करो, इसमें खड़े जाओ, फिर कैराबिनर ऊपर लो और इस तरह से आप कितने भी ऊंचाई में क्लाइंबिंग कर सकते हैं। है ना अच्छी क्लाइंबिंग? तो बहुत कम एनर्जी लगती है, बहुत एफर्ट कम लगता है और बहुत मज़ा भी इस तरह की क्लाइंबिंग में आता है, क्योंकि आप जुमार या दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हो, नॉट की बेसिस पे ही जा रहे हो। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपको नॉट बार बार चेक करने हैं और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, कहीं कोई खुल तो नहीं रहा, वो सब नज़र पर रखना है। और इसमें उतरना के लिए आपको ये जो डिजिटल हिस है इसको ऊपर से आप नीचे को ब्रश करोगे तो आसान से उतरते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे, तो आप इस तरह से छोड़ दो उसको।